फ्रेंड्स, यहाँ पे शाओमी का MI A3 और यहाँ पे रियलमी 5 जो कि कल हुआ है लॉन्च और MI A3 आज हुआ है लॉन्च। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, कैसा है ये दोनों स्मार्टफोन, कैसे कैसे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, क्या ये दोनों स्मार्टफोन आपस में एक दूसरे को टक्कर देती है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि MI A3 एक अच्छा स्मार्टफोन है या फिर रियलमी 5 एक बहुत ही बढ़िया एक बाय रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी 5 की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आप लोगों को 6.5 इंचेस का HD+ का डिस्प्ले 720p का रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वहीं MI A3 की बात करूँ तो 6.08 इंचेस का HD+ का बट सुपर AMOLED का डिस्प्ले देखने को मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ ड्यू ड्रॉप नॉच वाला, ये भी देखने को मिलेगा। अब डिस्प्ले दोनों का ही बिल्कुल सेम डिस्प्ले है, दोनों ही HD+ 720p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले आता है, बट यहाँ पे रियलमी 5 में मिलता है IPS और MI A3 में मिलता है सुपर AMOLED। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड ले लेता है यहाँ पे MI A3, बट दोनों ही एक अगर इक्वल देखा जाए ना तो फ्रेंड्स नेकेड आई से दोनों ही इक्वल लगेगा, बट यार टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे MI A3 विन करता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो दोनों में ही स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4GB रैम 128GB स्टोरेज रियलमी 5 देखने को मिलेगा और MI A3 में 4GB रैम 64GB स्टोरेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रियलमी 5 में हमको 128GB स्टोरेज यानी कि डबल स्टोरेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसी प्राइसिंग पे और एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स कलर ओएस 6 रियलमी 5 में। वहीं MI A3 की बात करूं तो एंड्रॉइड पाई बट यहां पे आप लोगों को एक पूरा का पूरा स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, यानी कि जो यूजर इंटरफेस है परफॉर्मेंस है वो MI A3 का बढ़िया होने वाला है, बट यहां पे स्टोरेज डबल है फ्रेंड्स यहां पे, तो यूजर इंटरफेस अगर हल्का फुल्का भी पीछे रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसेसर के हिसाब से तो दोनों ही इक्वल है स्नैपड्रैगन 665। तो ओवरऑल अगर यहां पे पॉइंट देने की बात आती है तो मैं यहां पे रियलमी 5 को पॉइंट दूंगा, बट यहां पे अभी भी बोल रहा हूं यू स्टॉक यार प्योर स्टॉक आपको देखने को मिलेगा MI A3 में। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं फ्रेंड्स फोन है बहुत ज्यादा फास्ट आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्योर स्टॉक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कैमरे की बात करो तो क्वाड कैमरा मिलता है रियलमी 5 में, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 12 वाला प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल वाला वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल वाला जूम लेंस और बाकी का 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए काम आएगा। MI A3 की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल वाला वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पे अगर एक तरीके से अगर पॉइंट देना रहे तो MI A3 को पॉइंट जाएगा क्योंकि 48 मेगापिक्सल है, बट यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक करना रहेगा तो रियलमी 5 पीछे नहीं हटता क्योंकि 4 कैमरा देना उस प्राइसिंग पे बहुत बड़ी बात होती है, भले ही 2 मेगापिक्सल का ही दे वो बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। तो रियलमी 5 को भी मैं बोलूँगा पीछे नहीं है, बट यार अगर मेगापिक्सल के हिसाब से देखा जाए तो वो पीछे है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 13 मेगापिक्सल मिलता है रियलमी 5 में, 32 मिलता है यहाँ पे MI A3 में, तो 32 मेगापिक्सल के हिसाब से MI A3 क्लियरली विनर है। बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh का बैटरी बैकअप हमको देखने को मिलता है रियलमी 5 में वुक चार्ज 3.0 के सपोर्ट के साथ और रियलमी 3 में हमको MI A3 में हमको देखने को मिलता है 4035 mAh का बैटरी बैकअप विद 18W ऑफ फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे रियलमी 5 क्लियरली विनर है 5000 mAh का बैटरी बैकअप साथ ही में एक बढ़िया वुक चार्ज का सपोर्ट जिसको एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो रियलमी 5 में बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और MI A3 में हमको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और हम सबको पता है कि यार इन डिस्प्ले एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अब जो ज़माना है वो इन डिस्प्ले का ही है। तो MI A3 विन करता है, बट इन डिस्प्ले में बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है, फ़ोन खुलता नहीं है, आपके हाथ पे ऑयल है, कुछ हल्का फुल्का वाटरी फ्लूइड है तो जल्दी ओपन नहीं होता है, बट यहाँ पे फिजिकल वाला वो क्या है एक आपके सेंसर को पकड़ता है और क्विकली अनलॉक करता है। तो यहाँ पे मैं फिर भी टेक्नोलॉजी के सबसे MI A3 को विनर बोलूँगा। देखो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले बोला जाए तो दोनों ही इक्वल है, बट MI A3 टेक्निकली वाइज जीतता है, प्रोसेसर स्टोरेज सब देखा जाए तो रियलमी 5 जीतता है। कैमरे की बात करूँ तो रियलमी 5 पीछे नहीं हटता है बैक कैमरे में, बट यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के हिसाब से MI A3 विनर है। फ्रंट कैमरे में तो क्लियरली MI A3 विनर है और बैटरी की बात करूँ तो रियलमी 5 विनर है। तो यार रियलमी 5 ने भी बहुत पीछे नहीं है फ्रेंड्स। और वहीं प्राइसिंग की बात किया जाए तो 464 MI A3 का प्राइसिंग आता है करीबन 13,000 रुपये और 4 128GB का प्राइसिंग रियलमी 5 का आता है करीबन 12,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये कम में बस आपको क्या अफोर्ड करना है, आपको 48 मेगापिक्सल 1,000 रुपये कम में नहीं मिल रहा है और
सुपर एमोलेड नहीं मिल रहा, बाकी सारा का सारा चीज़ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फ़ोन लो। मुझे अगर रिकमेंड करना है तो रियल मी 5 रिकमेंड करूँगा, वो भी फ्रेंड्स 4 128 GB ही ले लो फ्रेंड्स, सस्ता ही है, या फिर 464 ले लो फ्रेंड्स, यहाँ पे करीबन आप लोगों को 11,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया डील मिलेगा 2,000 रुपये लेस में आप लोगों को। सोचो 2,000 रुपये और लेस में आप लोगों को सेम चीज़ मिल रहा है, खाली 48 मेगापिक्सल नहीं मिल रहा और सुपर एमोलेड नहीं मिल रहा, बाकी सारा का सारा चीज़ बिल्कुल भी सेम टू सेम है। तो यही है फ्रेंड्स कंपैरिजन रियलमी 5 Mi A3। आप बताओ फ्रेंड्स आपकी क्या राय है, आपको कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा है, ताकि मैं देख सकूँ पढ़ सकूँ कि आपका थॉट क्या है, Mi A3 अच्छा है या फिर रियलमी 5 अच्छा है। तो ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहिए टेक एंड ब्रो चैनल के साथ। बहुत ही जय हिंद।